हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपना पार्ट नंबर 13 पढ़ रहे थे, जो एक कविता है और जिसका नाम माँ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि माँ जब जीवन में प्रत्येक विपत्ति को हरा देती है, तब वह हिमालय के समान महान बन जाती है। साहस उसका हथियार है, उसमें अपार ऊर्जा है, उसमें बहुत सारी शक्ति है। जब माँ अपनी ममता का प्रकाश चारों तरफ फैला देती है, तब माँ दीपक की जलने वाली बाती बन जाती है। उसे दूसरों का दुख लेना और दूसरों को सुख देना अच्छा लगता है। इतना हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम आगे पढ़ेंगे। जब खुशी के आंसू बहाती माँ, तब उत्सव बन जाती माँ। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। इन पंक्तियों में कवित्री बताती है कि जो माँ की दुआएं हैं वो बहुमूल्य होती है, जिसका कोई मोल नहीं होता। कवित्री कहती है कि जब माँ खुश होकर आंसू बहाती है, तब उत्सव के समान बन जाती है। चारों तरफ खुशी छा जाती है, उसके आशीर्वादों में बहुत बड़ा चमत्कार होता है, उसके प्रोत्साहन में जय जयकार छिपा होता है। इन पंक्तियों में भी माँ की महिमा का गुणगान किया गया है। आगे है, जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ, तब गुरैया बन जाती माँ। वात्सल्य प्रेम के उसके भाव है, संपन्न उसका सब भाव है। इन पंक्तियों में माँ के स्नेह का वर्णन किया गया है। कवित्री कहती है, जब माँ आप कम खाकर अपनी बच्चों को खिलाती है, तब माँ गुरैया की तरह बन जाती है। गुरैया क्या होता है? चिड़िया की एक जाति है, उसे बोलते हैं गुरैया। उसमें वात्सल्य क्या होता है? स्नेह, प्रेम, प्यार। उसमें वात्सल्य और प्रेम के भाव है। संपन्न उसका सब भाव है, अर्थात वह दूसरों के प्रति सदा समर्पित रहती है। वो दूसरों का हमेशा भला चाहती है, दूसरों के बारे में सोचती है। आगे है, जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ, तब नदी बन जाती माँ। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। इन पंक्तियों में कवित्री ने माँ को नदी की तरह दर्शाया है। कवित्री कहती है कि जब माँ अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का गीत सुनाती है, तब वह नदी बन जाती है। मर्यादा में रहना उसका स्वभाव है, उसका व्यवहार है। माँ सदा मर्यादों में रहती है और सहनशीलता उसका क्या है? उपहार। उपहार क्या होता है? तोहफा। सहनशीलता और मर्यादा में रहना माँ के गुण है। ओके, नेक्स्ट, जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ। केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। इन पंक्तियों में कवित्री बताती है कि जब माँ बिना किसी स्वार्थ के सेवा भावना जगाती है, कि उसे कोई लालच नहीं है किसी की किस्म का, उसे कुछ भी लेना देना नहीं है किसी से, कोई वो अपना फायदा नहीं सोचती, तब वह क्या है? धरती बन जाती है। जैसे धरती पर हम सब लोग रहते हैं, धरती किसी के साथ भेदभाव नहीं ना करती है कि यहाँ पर धरती पर ये रोग रहेंगे या बस ये रहेंगे, सभी रहती है ना बिना किसी स्वार्थ के। तो वैसे ही माँ है कि जब वो किसी स्वार्थ के सेवा भावना जगाती है, तब वह धरती बन जाती है। उसका विस्तार केवल क्या है? देने में है, कि वो सिर्फ देना ही चाहती है,
सबको, माँ सदा ही सबको वत्सल्य प्रेम देती है, स्नेह देती है, मैम सबको प्यार करती है, उसके चरणों में ही स्वर्ग का द्वार है, कि माँ के चरणों में ही आकर स्वर्ग मिल जाता है। माँ धरती के समान सेवा करती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।